हेलो दोस्तों, आपका एवरी सेल स्टोर में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारे पास ये ऑल इन वन का मदरबोर्ड आया हुआ है। जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्चुअली बहुत स्लो चल रहा है और इसको हम कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको अपग्रेड करते हैं। बाकी ऑल इन वन सिस्टम को कैसे रिपेयर करते हैं, तो उसको देखने के लिए आप वीडियो को देखिए लास्ट तक और मैं आपको बताऊँगा इसमें किस तरह से क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें बहुत स्लो चल रहा था, इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसमें इसके हीट सिंक को निकालेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, इसका पेस्ट वगैरह सूख गया होगा, तो इस वजह से अब हम इसको चेंज करेंगे। ये हीट सिंक है, इसको आप खोलिए नॉर्मल, बिल्कुल जो ऑल इन वन का मदरबोर्ड होता है वो लैपटॉप के मदरबोर्ड के जैसा होता है। इसको रिपेयर करना भी बहुत आसान होता है, अगर आप लैपटॉप को रिपेयर करना जानते हो तो आप इसको भी रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए पेस्ट, कूलिंग पेस्ट लगा हुआ है, इसको हम पोंछ लेते हैं जो पुराना वाला है। इसको यहाँ से आप ऐसे ऐसे साफ कर लीजिए और ये हमारा लगा हुआ SOC, SOC यानी कि जिसमें आपके तीन ICO का कॉम्बिनेशन है, GMCH, ICH प्लस CPU, तो ये SOC है। इसको भी हम साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमने कूलिंग पेस्ट मंगाया हुआ है, देखिए कूलिंग पेस्ट है, इसको आप यहाँ पे हल्का सा रख दीजिए। हल्का सा हीट सिंक पे भी रख दीजिए, हम इसको ज़्यादा नहीं लगाना है जिससे ये उधर उधर फैलेगा। तो हमने क्या करना है, CPU को इससे कवर कर देना है। हम इसको यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं। कूलिंग पेस्ट अगर आपका सूख जाता है तो सिस्टम बहुत ज़्यादा हैंग करता है, तो इस कंडीशन में हम कूलिंग पेस्ट को एक बार ही चेक करेंगे। ये अपना कूलिंग पेस्ट के लिए फ़ैन हो गया फिक्स, इसमें फ़ैन नहीं दे रखा है, हीट सिंक है केवल। ये हीट सिंक ही CPU की हीट को बाहर फेंकेगा। ये CMOS बैटरी लग रही है, पूरा सेम लैपटॉप का मदरबोर्ड है। ये अपना वाईफाई का सेक्शन दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप, ये 3 to 5 volt का सेक्शन है। ये अपना चार्जिंग का कनेक्टर है जहाँ से पावर सप्लाई इन होती है, तो सेम बिल्कुल लैपटॉप के मदरबोर्ड की तरह है। अब हम इसको फिक्स करते हैं। ये हम यहाँ पे देखो, इसको मदरबोर्ड को हमने फिक्स कर दिया, अब इसके स्क्रू लगाएंगे। ये लेनोवो का ऑल इन वन PC है, इसमें देखिए कीबोर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है, बट यहाँ पे कीबोर्ड लग नहीं सकता है, हम इसमें एक्सटर्नल ही कीबोर्ड लगाते हैं। सारे स्क्रू तरीके से लगाएंगे, वाईफाई कार्ड, इस वाईफाई कार्ड को आप यहाँ पे फिक्स करोगे। अगर ये कार्ड ख़राब हो गया किसी कंडीशन में तो आपके सिस्टम में वाईफाई नहीं चलेगा। अगर वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसकी ये दो वायर हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे। वायर बिल्कुल प्रॉपर लगनी चाहिए, अगर ये वायर प्रॉपर नहीं लगेंगे तो आपके नेटवर्क नहीं आएंगे या नेटवर्क वीक आएंगे। हमने फिक्स कर दिया है, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। इससे हमारा ये कार्ड प्रॉपर फिक्स हो गया। ये अपना CD-ROM का सेक्शन का कनेक्टर है, इसको भी हमने यहाँ लगा देना है।
तो ये हमारा देखिए मदरबोर्ड जैसे कि फिक्स हो गया है। ये आपका स्पीकर है, स्पीकर को भी आप लगा दीजिए यहीं पे। तो स्पीकर का कनेक्टर दे रखा है, इसको भी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हम इसमें हार्ड डिस्क हटा के इसकी SSD लगा रही है। हमने कंसिस्टेंट की SSD मंगाई है और ये SSD हम इसमें लगाएंगे। SSD लगाने का सिंपल सा तरीका है, जैसे आपकी नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगती है वैसे ही आप SSD भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर SSD लग गई। अब इसका ये कवर है, इसको हम यहाँ से कवर करेंगे, इसको हम यहाँ से कवर कर लेंगे। और ये SSD का रहा पेज, ये SSD को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये SSD लग गई। अब हम इसमें रैम लगाएंगे। इसमें रैम भी 4 GB थी, अब हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसमें हम 8 GB रैम लगा रहे हैं। तो ये रैम हम यहाँ पे लगाएंगे 8 GB की। ये देखिए आप, 8 GB की रैम है, DDR3L है ये। एक आती नॉर्मल और एक आती L, तो यहाँ पे ये L लगेगी, देखिए L। तो हम इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं DDR3L को। ये हमारा सिस्टम पूरा प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब बारी आती है इसके डिस्प्ले की। इसके डिस्प्ले को हम लगाएंगे, ये हम डिस्प्ले कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे कि इसमें सारे कनेक्शन हो चुके हैं, हम इसको चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका अडप्टर लगाएंगे, लगाओ जी अडप्टर, ऑन हुआ कि नहीं हुआ। लग गया इसमें अडप्टर और ये हमने कर दिया इसको चालू। तो जैसे कि इसमें डिस्प्ले आ चुकी है, अभी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर है क्योंकि हमने हार्ड डिस्क चेंज करी हुई है। तो अभी हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। तो इस तरह से आप ऑल इन वन को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग या कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखनी है तो आप ABS इंस्टीट्यूट में संपर्क करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।